राजधानी रायपुर के बुढ़ा तालाब धरना स्थल पर बुधवार को आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने देश व प्रदेश स्तरीय संलग्न मांगों की ओर अपना ध्यान आकर्षण किया। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगन वर्कर्स एंड हेल्पर नई दिल्ली के राष्ट्रीय आह्वान तथा छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने आज प्रत्येक जिले में प्रदेश रैली आयोजित करने का ज्ञापन सौंपा गया। सहायिकाओं ने सहानुभूतिपूर्वक विचार कर मांगों को सरकार के समक्ष रखा है। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के प्रांत अध्यक्ष सरिता पाठक ने बताया कि भविष्य की सुरक्षा के लिए पेंशन ग्रेच्युटी समूह बीमा योजना लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि श्रम कानून के अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक वेतन मान 18,000 रुपए दिया जाए। सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र के सविलियन के लिए 9 सूत्रीय बिंदुओं को रखा है। आज हमारी एक दिवसीय हड़ताल है जो पूरे राष्ट्र में चल रही है, जिला स्तरीय है, और सभी जिले में आज एक दिवसीय धरना रैली करके हमारी मुख्य मांगे हैं मानदेय में वृद्धि, हमारे रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि, पेंशन ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, मिनी आंगनबाड़ी को आंगनबाड़ी में विलय करने की मांग है, और मतलब हम पेंशन ग्रेजुएटी दे के फिर जो सहायिकाएँ हैं उसको पदोन्नति दिया जाए, कार्यकर्ता हैं उनको 18 साल या 25 साल होने पर प्रोत्साहन राशि दिया जाए। इस तरह हमारी 9 मांगे हैं कुल मिलाकर, और यह मांग हम एक दिवसीय आज रखे हैं, और 8 मार्च तक शासन को हमने समय दिया है। 8 मार्च तक अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 13 मार्च को हम प्रांतीय लेवल पर यहीं रायपुर राजधानी में बूढ़ा तालाब के पास धरना रैली करेंगे। ये हमारी मुद्दा है, मानदेय में वृद्धि है, पेंशन ग्रेजुएटी है, बीमा योजना लागू है, मिनी आंगनबाड़ी को आंगनबाड़ी में विलय करना है, सहायिकाओं को कार्यकर्ता पद पर उन्नति देना है, कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर बनाने का, ये सब चीज़ के लिए मतलब आज की धरना रैली है।